नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी अली चैनल में। चलो आज हम आपको दिखाएंगे जो कूलर किट होती है दोस्तों, इसे हम अपने घर पे कैसे वाइंड कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों, हम इसे किस तरीके से वाइंड करेंगे और इसका जो प्रॉपर डाटा है दोस्तों मैं आपको वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ इसकी जो लंबाई है हम लंबाई को किस तरीके से निकालते हैं और मोटर को किस तरीके से वाइंड करते हैं, हर चीज बताने वाला हूँ मैं आपको। तो ध्यान से देखें वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो चलो हमें क्या करना है, किस तरीके का लंबा वायर ले लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। हमें अपने पेपर कंप्लीट कर लेना, हमने आधे पेपर डाले हैं बाकी आपको समझाने के लिए। चलो हमें क्या करना है, सबसे पहले बीच में दो स्लोटों को अपना खाली छोड़ के चलेंगे, क्यों इन स्लोटों को हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे अपना, ठीक है दोस्तों। चलो हमने क्या करा, सबसे पहले इस तरह का एक अपना वायर ले लिया लंबा और बीच में दो स्लोटों को खाली छोड़ के चलना है दोस्तों, ठीक है। दो स्लोटों को खाली छोड़ा हमने, इसमें एक राउंड रखना है यानी कि एक चक्कर रखना है इसमें, और जो हम इसमें टर्ने लेंगे दोस्तों अपना इसकी स्टैम्पिंग के हिसाब से हम टर्ने लेंगे दोस्तों। अच्छा हमको सिखा रहा है, इसकी स्टैम्पिंग ज्यादा नहीं है तो हम इसमें 30 और 32 नंबर का यूज करेंगे, यानी कि 30 नंबर में हम जो टर्ने लेंगे दोस्तों अपना 150 टर्ने लेंगे, ठीक है। यानी कि पहले राउंड में हमारी 150 टर्न आ जाएंगे दोस्तों, उसके बाद 2 से 6 यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है दोस्तों। इसमें हमें जो राउंड करने हैं दोस्तों डबल राउंड कर लेने हैं, यानी कि इसमें जो हमारी टर्ने हो जाएंगी वो 300 टर्ने हो जाएंगी दोस्तों। चलो इसमें हमने क्या करा, 2 राउंड कर लिए इस तरीके से। चलो लंबाई का हमें ध्यान रखना है, जो लंबाई हम निकाल रहे हैं ये हमारी लंबाई, जो निकलते समय जो पेपर है इससे नीचे हल्का सा नीचे रखना है ताकि हमारे जो बाद में वाल्डी में ना अड़े दोस्तों। चलो हमने लंबाई को इस तरीके से फोल्ड किया और निकाल लिया है दोस्तों। चलो इस तरह की हमें चार कोयलों को सेम बना लेना है, चार कोयल हमारी रनिंग और चार कोयल हमारी स्टार्टिंग, लंबाई को हमें सेम रखना है दोनों साइड, स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। जो हमारा गेज रहेगा वो अपना 30 नंबर रनिंग में, और इसमें जो टर्ने होंगे हमारी 150 टर्ने, और जो हमारा स्टार्टिंग में जो गेज होगा दोस्तों 32 नंबर, और जो उसमें हमारी टर्ने होंगी वो 150 टर्ने होंगी दोस्तों। यानी कि टर्नों को हमें सेम रखना है, लंबाई को सेम रखना है, हर चीज़ हमारी दोस्तों सेम रहेगी, केवल हमें क्या है जो हमारी गेज में फर्क लेके आना है दोस्तों। चलो ये हमारी लंबाई निकल के आ चुकी है दोस्तों कंप्लीट। सेम इसी तरीके से हमें पूरा वाइंड कर लेना है, पहले में एक राउंड, बीच में दो स्लोटों को खाली छोड़ के चलना है, ठीक है दोस्तों। अगला जो हम सेट डालेंगे जिसमें हम एक डालेंगे कोयल, उसमें हम डबल कर देंगे कोयलों को, ठीक है, और दोनों ही साइडों को हम यूज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी ना?